यहाँ रमज़ानपुरा जो एरिया है बहुत बड़ा है और यहाँ की आवाम बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी, दूर दूर सेंटर पर जाती थी, पावर लूम मज़दूर यहाँ पे अक्सरियत है, वो दिन दिन भर नंबर लगाते थे। तो ये तकलीफ़ देखते हुए हमने अकील अंसारी और मजिस्ट्रेट चमड़े वाले से गुजारिश की कि आप कुछ भी कर कर इस एरिए में एक सेंटर 2-4 रोज़ या 8 रोज़ के लिए कायम करना चाहिए। तो इन्होंने हमारी आवाज़ पर लब्बैक और कोशिश की है और आज माशाअल्लाह सेंटर चालू है, हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम आगे इनसे गुजारिश करेंगे और भी जो आवाम की जो तकलीफ़ है उनके लिए कोशिश करते रहे। और एक वजह ये भी थी सेंटर लगाने की कि 1 जनवरी से 1500 रुपया इसका लगेगा। तो मैं आवाम से, ख़ासतौर से रमज़ानपुरे की आवाम से गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर यहाँ वैक्सीन लगाए। रमज़ानपुरे इद्दू मुकादम चौक पर और इसके अलावा कागजात भी बनाने में बहुत दुश्वारी आ रही थी, तो माजिद आई और अकील अंसारी के हम इनसे गुजारिश करें कि इसका भी कुछ हल निकलना चाहिए। तो उन्होंने आज तकरीबन 8 दिन हुआ है MGR के नाम से एक सेंटर भी कायम किया और माशाल्लाह आवाम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है। आधार कार्ड है, आधार कार्ड अपडेट है, पिन कार्ड वगैरह है, मजदूर कार्ड है, जो भी मतलब हुकूमत जो स्कीमात दे रही है सब कागजात यहाँ पर इंशाल्लाह बन रहे हैं। आज 25 दिसंबर रोज़ शनिचर सुबह 10:30 बजे तकरीबन चालू हुआ है और अबाउट 300 के लगभग लोगों ने वैक्सीन लगाया है। और ये एरिया मुजाफात में आता है, पसमानदा एरिया है। मालेगांव शहर कॉरपोरेशन ने नो वैक्सीन नो एंट्री का जो ऑर्डर किया है उसकी बुनियाद पे हम लोगों ने कॉरपोरेशन से कांटेक्ट कर गए। मुजाफात एरिया में वैक्सीन सेंटर का काम आज चालू किया है, आज भी दिन भर रहेगा, सुबह 10:30 से 5, कल भी रहेगा। एरिया बहुत दूर होने की वजह से कॉरपोरेशन का यहाँ से 5-6 किलोमीटर का रास्ता रहता है, तो वो हिसाब से हम लोगों ने इस जगह पे आवाम के पब्लिक की खिदमत के लिए सेंटर चालू किया है और इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा मिल रहा है। ये कल भी रहेगा और कोशिश करेंगे आगे और बढ़ाने की। इसके अलावा आवामी खिदमत ऐसे ऑनलाइन सेंटर खोला है हमने यहाँ पे, आधार सेंटर वगैरह जो है, ई श्रम कार्ड है, मजदूर कार्ड है, ऑनलाइन के जितने काम काज उसके लिए ऑफिस का हम लोगों ने रबता ऑफिस खोला है यहाँ पर पब्लिक की खिदमत के लिए। कितना दिन है यहाँ? लगभग 280 के आसपास हो गया होगा अब तक के, 230 तक तो मुझे आखिरी रिपोर्ट थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारा वैक्सीनेशन हो गया है यहाँ पे। और मैं एक्चुअली ये जो अकील सर है उनका शुक्रगुजार हूँ कि बहुत कम वैक्सीनेशन है अपने यहाँ पे मालेगांव में और हमारे एरिया में भी बहुत कम है। ज़्यादातर नदी के इस पार आप सब तो जानते होंगे कि बहुत ही कम है वैक्सीनेशन का परसेंटेज। एक दिन में मैं पहली बार ऐसा ये सेशन है कि जहाँ 250 क्रॉस हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है और ये अपन समझ सकते हैं कि यह आगे का जो सुनहरे दिन आने वाले हैं उसकी ये शुरुआत होगी कि अपने यहाँ वैक्सीनेशन बढ़ते ही जाएगा और हो सकता है तो 100% 18 साल के ऊपर के लोग कवर हो जाए, तो वो अपन थर्ड लहर जो थर्ड वेव आने वाली है उसको रोकने में कामयाब रहेंगे। इससे आपको पता है कि 2 तो आ चुके हैं पॉजिटिव अपने मालेगांव में, अभी कई दिनों से अपने यहाँ एक भी पॉजिटिव केस नहीं था, तो 2 पॉजिटिव आ चुके हैं। हो सकता है ये ओमिक्रॉन भी हो, उसका अभी कन्फर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन अगर अपने को ये रोकना है वो वही के वही रुक जाए, ये 2 पे ही अपना आंकड़ा रुक जाए, तो सबने कंपलसरी अभी तो फर्स्ट डोज चालू है, फर्स्ट डोज तो लेना ही है, लेकिन जितना जल्द हो सके उतना दूसरा डोज भी कंप्लीट करना है।